नमस्कार, मैं डी पी आर आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स। तो आप कैसे हैं, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ आपसे रिलेटेड यहाँ पर पॉइंट हैं जिसको मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि बहुत सारे जो पेंशनर्स हैं उन्होंने कहा है कि हमारा अभी एरियर भी नहीं आया है, और जो पेंशन बढ़ के आनी थी वो भी नहीं आई है, और हमारा जो डी ए आना था वो भी नहीं आया है। मतलब 42% का डी ए का जो इंक्रीजमेंट हुआ है, तो यहाँ पर आपका जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक का जो डी आना था वो भी नहीं आया है। तो इसमें फिर क्या हो सकता है, इसका क्या सॉल्यूशन है? तो इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर अभी तक नहीं आया है तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये है कि आप लोग इंतज़ार कर लो, हो सकता है 5, 6, 7, 10 तारीख तक ये आ जाए। अभी यहाँ पर दूसरा हमारा एक इसमें सुझाव है कि आप लोग यहाँ पर अपना ग्रेवेंस अपडेट कर सकते हो। स्पोर्ट्स से ले रहे हो तो स्पोर्ट्स को कर सकते हो, और आप बैंक से ले रहे हो तो बैंक के लिए आप संपर्क कर सकते हो, या आप यहाँ पर जो सीपी ग्राम्स है उस पर जाके आप एक बार कंप्लेंट कर सकते हो, ग्रेवेंस वहाँ भी आप लोग कर सकते हो। यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पैटी ऑफिसर रैंक। पैटी ऑफिसर रैंक को यहाँ पर पहले क्या कर दिया था, मतलब कुछ उसमें चेंज कर दिया था उस रेंज को, मतलब जो वहाँ पर पेटी ऑफिसर जो रैंक थी उसको चेंज कर दिया था। अब क्या हुआ, उस पर जब जो रैंक है वो चेंज कर दी गई तो वहाँ पर शिकायत हुई, तो शिकायत के बाद में उसे कई महीनों बाद सही किया गया। लेकिन अब वहाँ पर जो उनकी पेंशन मिल रही है उसमें गड़बड़ी कर दी है, मतलब जो उनको नायब की पेंशन दी जा रही है। मतलब पहले जो रैंक गड़बड़ हो गई थी, अब इसके बाद में क्या हुआ है कि यहाँ पर अब जो पेंशन मिलनी थी वो भी वहाँ पर उसको गड़बड़ कर दिया है, और वहाँ पर नायक की पेंशन उनको दी जा रही है, और ये पेंशन कई महीनों से दी जा रही है और उसमें कोई सुधार नहीं आ रहा है। बहुत से लोगों ने ग्रेवेंस भी डाला है, शिकायत भी दर्ज की है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, ये आप शिकायत करते रहिए तो हो सकता है आने वाले समय में आपका ये सुझाव सरकार, मतलब जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट कर ले और यहाँ पर उसको सही कर दे। अभी सरकार के पास आप डालते हो कहीं भी कोई ग्रेवेंस अपडेट करते हो तो वहाँ पे वही जवाब मिलेगा आपको कि इस पर काम हो रहा है और हम इसको जल्दी ही सही करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पेंशन कम आई है क्या करें। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, हो सकता है आपका एरियर आया हो तो उस एरियर में से जो टैक्स कटता है वो आपका कट गया हो इनकम टैक्स, तो वो तो आप लोग जब ITR फाइल करोगे तो वहाँ से आपको वापस आ जाएगा, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हो सकता है कि कुछ ज़्यादा ही पेंशन कट के आई है, तो आप लोग यहाँ पर ग्रेवेंस अपडेट कर सकते हो और यहाँ पर सीपी ग्राम्स पर आप लोग एक बार शिकायत ज़रूर करें, और आप लोग पेंशन ग्रेवेंस सेल में भी आप बात कर सकते हो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम लोग अगर बात करें तो अगली न्यूज है, अनुराग ठाकुर जी ने यहाँ पर पहलवानों के विरोध प्रदर्शन पर चुप्पी तोड़ दी है। तो अनुराग ठाकुर जी ने यहाँ पर कहा है कि उन्हें धैर्य के साथ पुलिस पर विश्वास करना चाहिए, और पुलिस जो जांच कर रही है उस पर भी विश्वास करना चाहिए। यहाँ पर जल्दबाजी में हावड़ तावड़ में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो आप उस पर विश्वास करिए कि वो सही ही करेगी। अब आप जो कह रहे हैं ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, ये ऐसा अनुराग ठाकुर जी ने नहीं कहा है कि देखो मान लीजिए मैं कुछ भी कहूँ तो क्या वो मान्य होगा? मैं अपने मन से कुछ भी कह सकता हूँ, या कोई जो खिलाड़ी है वो अपने मन से कुछ भी कह सकता है, क्या सबके मन की चल जाएगी यहाँ पर? नहीं, जो यहाँ पर किसी पर आरोप लगाए हैं तो उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो उस पर हमें विश्वास करना पड़ेगा। चलिए, अब जो आप लोग जानते हैं कि मार्च मंथ का यहाँ पर CPI डाटा निकल के आ गया है, CPI डाटा निकल के आ गया है, और CPI डाटा में यहाँ पर 0.6 पॉइंट का इंक्रीजमेंट हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पर जो अभी निकल के आया है डाटा वो 133.3 निकल के आया है, मतलब तो 133.3 तो इंक्रीजमेंट हुआ है। तो इस इंक्रीजमेंट के हिसाब से हमारा जो DA, जो यहाँ पर DNS अनाउंसमेंट बनता है, वह बनेगा कितना, 45%, क्योंकि पॉइंट के बाद की वैल्यू यहाँ काउंट नहीं की जाती है। तो अभी 42% चल रहा है, 42% से यहाँ पर हो सकता है कि आने वाले समय में भी, अभी तो अभी क्या है, मई है, जून है, जुलाई है, जुलाई में बढ़ेगा जाके, मई का आएगा, जून का आएगा, जुलाई का आएगा, तब जाके यहाँ पर DA का इंक्रीजमेंट हो सकता है कि वो 46% तो कम से कम बन ही जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, आपको पता है जैसे कि आप जानते हैं एक साल में दो बार यही बढ़ता है,
इसमें ऐसा कोई बा बा और ऐतिहासिक फैसला और ये और वो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, और वो तो होता ही है, होगा ही वो। और यहाँ पर मैं एक इम्पोर्टेंट बात और बताने वाला हूँ कि यहाँ पर जो श्रम ब्यूरो के पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशन की शिकायतों के निवारण के लिए यहाँ पर एक पेंशन अदालत जुलाई 2023 में दिनांक 7/7/2023 में शुक्रवार की सुबह 11 बजे उप महानिदेशक श्री भारत भूषण जी के निरीक्षण में कमरा नंबर 109 में की जाएगी। तो आप लोग वहाँ पर जाके अपनी जो शिकायत हैं उनसे रिलेटेड आप अपने पत्र, अपना जो भी विचार है, जो आपकी समस्या आ रही है उनके समक्ष आप रखें, तो आपकी पेंशन में या फैमिली पेंशन में जो भी त्रुटि आ रही है उनको वहाँ पर दूर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे मैं अगली वीडियो में जरूर लूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।